इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अथॉरिटी को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एरोडम थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में ईमेल के माध्यम से धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले की बात की जाए तो इंदौर सहित कई शहरों के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आतंकी संगठन द्वारा दी गई थी। इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजीव ढंडोतिया ने शनिवार को बताया कि 4 अक्टूबर को इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रेडफर आर ईमेल के माध्यम से एक धमकी भरा लेटर मिला है। एयरपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुरेंद्र कोल द्वारा एरोडम पुलिस को शिकायत की है कि लेटर में लिखा हुआ है, हमें से जो टक्कर लगाएगा हमने सभी को कुचल दिया है। बूम बूम जैसी बातें लेटर में लिखी हुई है। पुलिस द्वारा 351(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहरहाल इंदौर एयरपोर्ट और इसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक मेल आया है जो कि एक गुमनाम मेल है, जिसमें कि थाने एड्रोम पर एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटर हेड पर जो इंडियन जो इंदौर एयरपोर्ट है उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सुरेंद्र कौरव जी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कल 4 तारीख को मॉर्निंग में 10:59 पर एक मेल आया है, जिसमें कि जनरल शिव 76@redmail.com से एक मेल आया है और धमकी दी गई है। उसमें इस तरह का कुछ अपटनी है और उसमें कुछ जो स्टडी जो पढ़ने में आ रहा है उसमें ये बताया गया कि हमने सब कई लोगों के ईगो को क्रैश कर दिया है और बूम बूम इस तरह की कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसमें फिलहाल 351(4) के तहत थाना एरोड्रम में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इंदौर एयरपोर्ट की सुरक्षा के सभी इंतजामों को पुख्ता कर लिया गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।